ये सहरियार जी है, इसका काम ओवर हो चुका है, ये रिपोर्टिंग करते हैं टाइप इंद का, यही है नादिर भैया ये जो कि। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइस आपको बहुत ज़्यादा लेट करके मैं ये व्लॉग आपके लिए लाया हूँ, तो गाइस उसके लिए सॉरी, ये ज़्यादा लेट हो गया होगा क्योंकि आप लोग के लिए न्यू कॉन्टेंट लाना पड़ता है। तो ये व्लॉग आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये व्लॉग में मैं आप लोग को लैब का तो आपको टूर करा ही दिया था, तो लैब के अंदर लेबोरेटरी दिखाने वाला हूँ, मेरा लैब में लेबोरेटरी किस तरीके से मतलब काम करता है, कौन कौन सा मशीन है उसके बारे में। तो फाइनली मैं आपको लैब दिखाने वाला हूँ, तो सबसे पहले मैं लैब से ऊपर जाऊँगा और आपको लैब दिखा के पूरा एकदम वहाँ का टूर कराने वाला हूँ, किस तरीके से मेरा लैब है वहाँ पर, किस तरीके से काम होता है। तो चलिए चलते हैं मैं लैब, फिर वहाँ पर जाके आपसे बात करते हैं। फाइनली अभी हम लैब जा रहे हैं, लैब में आपको मिलाएंगे टेक्नीशियन सबसे, लैब में किस तरह से काम होता है। आपको तो मैं सिर्फ वही दिखाया हूँ जो कि नीचे में जो बिलिंग विलिंग होता है पेशेंट का, जो इधर उधर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग खाना वाना खाते हैं, अगर बैसन जो कभी घर नहीं जा पाएँ तो टिफ़िन ला के अपना यहाँ पे खाना खाते हैं। देख सकते हैं इधर यहाँ पे एक लेबोरेटरी का, ये देख सकते हैं लेबोरेटरी का लगा हुआ है, ये लैब का गेट है, इसके अंदर इन करेंगे अभी जस्ट। देख सकते हैं ये मशीन है हम लोग की, एकदम देख सकते हैं ये मशीन है, CBC मशीन जो कि इतना खतरनाक रूप से काम होता है। यहाँ बहुत सारा मशीन है, हम लोग का लैब ये है जो कि यहाँ पे बिलिंग विलिंग होता है। इधर यहाँ पे नादिर भाई हैं, नादिर जी है, आफ्सर जी है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है। ये मशीन वशीन यहाँ पे सैंपल जितना कलेक्ट रहता है साथ, उसको फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इधर साइट वोट होता है देख सकते हैं। और यहाँ पे टेस्टिंग वेस्टिंग होता है, जो टेस्टिंग मशीन रहता है यहाँ पे, यूरिन वूरिन टेस्ट होता है देख सकते हैं, यूरिन बहुत सारा यूरिन है। एक बार ये यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो कि हम लोग का प्रोफेशनल जाँच बहुत अच्छा होता है, आपको भी कराना होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा। ये TSH का मशीन है, ये नादिर भैया है, ये मेन टेक्नीशियन जो है हिंद का यही है नादिर भैया, ये जो कि 4-5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग यही किए थे लैब में टेक्नीशियन। ये अफसर जी हैं, ये मतलब कि ये भी टेक्नीशियन मतलब मेन टेक्नीशियन बन चुके हैं, इसका मतलब सिर्फ इसको अभी उपाधि नहीं मिला है, ठीक है, ये पूरा एकदम इसको जानकारी अच्छा है। ये मोबाइल वोबाइल चार्ज हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अफसर जी हैंडल करते हैं जितना भी रिपोर्ट वोट है भरना होना। उधर साकिब जी हैं जो कि मतलब हा कर दीजिए, देखिए चलिए थोड़ा हा कीजिए इधर हल्का सा, चलिए नादिर भैया थोड़ा हा कीजिए आप। देख सकते हैं हम लोग का पूरा मिलजुल के हम लोग रहते हैं, कोई डांट डपट नहीं, हम मिल के रहते हैं, सब काम होता है। चलिए ये सहरियार जी है, इसका काम ओवर हो चुका है, ये रिपोर्टिंग करते हैं टाइपिस्ट हैं, इसका काम हो गया है, ये अब काम कर लिया है अपना, जा रहा है ये आज थोड़ा सवेरे जा रहा है, तो कोई काम था। लोग देख सकते हैं ये जो होता है हम लोग का लैब का कोरियर पैकिंग हो रहा है, ये मतलब बाहर जाता है पटना मुंबई दिल्ली जहाँ भी जाता है। ये साकिब अहमद भाई हुए, ये हमारा सीनियर स्टाफ रहा है, कर दीजिए इधर। तो देख सकते हैं यहाँ से मतलब कि जो मतलब हम लोग के यहाँ टेस्ट नहीं होता है, स्पेशल टेस्ट होता है, वो यहाँ पे कोरियर में जाता है इस डब्बा में चेक होके, पहले ये डब्बा में पैक हो चुका है। देख सकते हैं ये एड्रेस रहा, अभी एड्रेस में नहीं लगा, एड्रेस ये रहा एड्रेस, देख सकते हैं ये जाता है, तो कुछ इस तरह का सीन है। तो फाइनली गाइस आप लोग लैब गए, लैब के बारे में टोटल स्टाफ से मिले हैं, आपको मशीन वशीन दिखाएं कहाँ किस तरीके से काम होता है, आप टोटल चीज़ से अवगत हो गए। और आप लोग को ये ब्लॉग हमको लगता है अच्छा भी लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कीजिए सिंपली, और चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरीके का ब्लॉग आपको मिलते रहेगा। और मेरे चैनल पर और न्यू ब्लॉग्स भी आएंगे जो कि कुछ न्यू प्लेस के बारे में भी मैं आपको रिवील करूँगा, वहाँ पर जाके उसको दिखाने की कोशिश करूँगा अच्छी तरीके से। तो अभी मैं रुका हुआ था क्योंकि पर्सनल इशूज के वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल रहा था, ब्लॉगिंग मैं करूँगा अब स्टार्ट कर दूँगा। ये ब्लॉग डालने के बाद मैं आप लोगों को बहुत सारा ब्लॉग दिखाने वाला हूँ, बहुत सारे एक्टर से मिलूँगा। चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।